आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बेलापूर मतदारसंघातील महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार संदीप नाईक हे मित्र पक्षातील प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या भेटी घेत आहेत। याच अनुषंगाने त्यांनी भारतीय काँग्रेस पार्टीचे नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष अनिल कौशिक तसेच भारतीय काँग्रेस पक्षाच्या नवी मुंबई महिला जिल्हाध्यक्ष पूनम पाटील आणि प्रमुख कार्यकर्त्यांची भेट घेतली। यावेळी विविध विषयांवर चर्चा देखील संपन्न झाली। त्यानंतर संदीप नाईक यांना बेलापूर मतदारसंघातून महाविकास आघाडीची उमेदवारी दिल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन देखील पक्षाद्वारे करण्यात आले। यानंतर पत्रकारांशी बोलताना अनिल कौशिक यांनी सांगितले की जो पक्षाने निश्चय केला आहे तोच आमचा उमेदवार देखील आहे। त्या उमेदवारासाठी काँग्रेस पक्ष हा पूर्ण ताकदीने काम करेल, तसेच बेलापूर मतदारसंघात परिवर्तन व्हावे अशी आमची देखील इच्छा असल्याचं त्यांनी म्हटलंय। देखो ऐसा है कि संदीप जी नाईक महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट हैं। तीनों पार्टी ने मिलकर कैंडिडेट को निश्चित किया है। जो पार्टी ने निश्चित किया वो कैंडिडेट हमारा कैंडिडेट है। उसके लिए कांग्रेस पार्टी मन से ताकत से महाराष्ट्र में सरकार कैसी आए वो हिसाब से काम करेगी। सर किस चर्चा उन्होंने की बोला हमारे लोगों ने कि भाई जो हमारे नगर सेवक कैंडिडेट रात दिन तैयारी करते थे उनका अस्तित्व धोखे में नहीं आना चाहिए। आपको हम कल MLA बनाएंगे, आप मंत्री बनोगे, आपकी ताकत बनेगी। वो ताकत खाली जो आपके साथ आज नगर सेवक आए हैं उनको ही नहीं, हमारे जो नगर सेवक जो पार्टी का झंडा लेके पिछले जब 2015 में इलेक्शन हुआ था और आज 2024 है, 9 साल से एक आशा से अपेक्षा से काम करते उनको भी न्याय मिलना चाहिए, उनको भी आपकी ताकत काम आनी चाहिए, उनका भी स्वप्न पूरा होना चाहिए, ये उन्होंने मांग रखी थी। देखो तीनों पार्टी कटी दूसरी साइड तो वन साइड जाएगा ना मैडम, फिर भी कभी शत्रु कमज़ोर नहीं समझने का, फिर भी हम हवा में नहीं जाएंगे और इसमें नहीं जाएंगे, हम गंभीरता से काम करेंगे। ऑफकोर्स ऑफकोर्स क्यों बोले तो महाविकास आघाड़ी है, पब्लिक के काम करने हमने पब्लिक के काम किए हैं, आगे आने वाले भविष्य के अंदर हम ये सोचते कि पब्लिक की सेवा है महाविकास आघाड़ी में उसके माध्यम से हो। वीडियो जर्नलिस्ट वसीम काजी सह पंकज बेनवंशी, आवाज स्टूडियो, नवी मुंबई।